देश में आर्थिक मंदी और बंद होते कारखानों के चलते लाखों युवाओं का रोजगार समाप्त होना देश को एक गंभीर सामाजिक संकट की तरफ लेकर जाएगा तथा रोजगार छीनने एवं उत्पादन के गिरावट की वजह से बेरोजगारी के बढ़ने से देश की युवा शक्ति निराशा तथा असुरक्षा के वातावरण में कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाएगी ये देशवासी समझ नहीं पा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि वर्तमान सरकार मात्र राजनीतिक लाभ लेने वाले फैसले ले रही है, परंतु इस सरकार में आर्थिकी की समझ रखने वाले नेताओं का पूर्ण रूप से अकाल है तथा देश की आर्थिक स्थिति के जानकार अधिकारियों को या तो बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है अथवा अनावश्यक दबाव डालकर उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। देश के अंदर जो आर्थिक मंदी का दौर चला है और इसके चलते जिस तरीके से कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और लाखों युवाओं का रोजगार छिन रहा है और भविष्य में भी जो रोजगार के अवसर हैं उनको वो इस मंदी के चलते कारखानों के बंद होने की वजह से समाप्त हो रहे हैं, उससे देश एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े सामाजिक संकट की ओर बढ़ रहा है। और वर्तमान केंद्र सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक फैसले तो ये सरकार ले रही है, लेकिन वर्तमान सरकार में मैं समझता हूँ कि देश की जो आर्थिकी है, इकोनॉमी है, उसके जानकारों का पूरी तरह से अकाल है। इस आर्थिक संकट को ना कोई समझने वाला है, ना किसी की समझ में आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ विचार विमर्श करके उनकी राय को महत्व देते हुए देश को इस आर्थिक संकट और आर्थिक मंदी के दौर से निकालने का सरकार प्रयास करे। एक ताज़ा उदाहरण है, जिस तरीके से रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार ने पैसा लिया वो आर्थिक आपातकाल की ओर इशारा करता है। एक और चीज़, अभी हाल ही में जो मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन हुआ और उस एक्ट के तहत जो भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान इस देश के अंदर किया है, ये फैसला भी सरकार का जन विरोधी है। दुर्घटनाएं रुकनी चाहिए, लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के और उपायों के ऊपर विचार होना चाहिए। इस फैसले का भी मैं समझता हूँ कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर असर होगा, और ये फैसला भी सरकार का जो है वो जहाँ प्रोडक्शन को प्रभावित करेगा वहाँ रोजगार के अवसर भी कम करेगा।